हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे के सारे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारे चैनल का तीसरा ब्लॉग है जहां पर हम जाने वाले हैं जिम कॉर्बेट, और ये हमारे 2 दिन की ट्रिप होने वाली है। और सारे के सारे रेडी हो गए, जल्दी से जल्दी हमें निकलना है क्योंकि हमें लेट नहीं होना और समय से पहुंचना है। हम NS24 पे आए दोस्तों। 195 किलोमीटर का सफर कर हम जिम कॉर्बेट के काफी करीब आ चुके हैं। देखो गाइस, मंकीज देखो यहाँ पर कितने सारे हैं। खिला सकते हो तो खिलाओ, मैं खिलाऊं। अरे ये डालो, देखो आ रहे हैं क्या? ज्यादा नहीं खोलिए, ऊपर आ जाएगा सीट पे। हाँ। पकड़ लेगा, छीन लेगा कुछ भी। हाँ, बैठ जाते हैं। आईफोन छीन लेगा तो बहादुर सा आया, एक ले गया, खा रहा है। अब बैठेगी कालो छुट्टे। तो दोस्तों, फाइनली हम जिम कॉर्बेट पहुंच चुके हैं और बस होटल थोड़ी ही दूर है। और आप देख सकते हैं कितने ज्यादा पेड़ हैं यहाँ पर, बिल्कुल घने। कहाँ गए रुद्राम? गाइस, पता नहीं होता क्या है मैडम को, हम जैसे ही कहीं भी कोई भी जहाँ पहाड़ हो ऐसी जगह पे जब जाते हैं ये सुट हो जाती हैं। और जब खास कर घर चढ़ चढ़ रही हो, अभी होटल पहुँचते इनका ये बोलने लगेंगे और वैसे बोलने लगेंगे, पहाड़ पे आती है साथ हो जाते हैं। मैम इधर देखिए, एक बार देखिए, देखिए बताइए कितने डरी हुई है। तो दोस्तों, फाइनली हम अपने होटल पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप। गाइस, होटल देख सकते हैं आप, लाजवाब है, देख लीजिए आप। गाइस देख सकते हैं यहाँ स्विमिंग पूल, आप इसमें अभी हम फुल मजे करने वाले हैं। और जस्ट यहाँ से ऊपर देखेंगे तो आप देखिए पहाड़ों का नजारा, इधर देखिए सब इधर। तो फाइनली गाइस, हमने चेक इन कर लिया है, सामान वगैरह अपने रूमों में रखकर। अब थोड़ी देर के बाद, फ्रेश होने के बाद हम बाहर की ओर जाने वाले हैं, देखते हैं यहाँ क्या क्या एक्टिविटी हम कर सकते हैं और किस किस एरिया में घूम सकते हैं। तो दोस्तों, हमने लंच वगैरह कर लिया है होटल पे पहुंचकर, और क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। अब उसके बाद हमारे पास पूरा दिन बचा है शाम होने से पहले, तो अब हम सोच रहे हैं कि हम करें क्या। तो यहीं आसपास जगह है जहाँ पर हम एक्टिविटी करने के लिए आए हैं, जहाँ पर जिप लाइन वगैरह होती है और पंजी जंपिंग वगैरह होती है, तो वो करेंगे। तो ये रही गाड़ी, सब रुके हुए हैं, पूछ पाछ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, कहाँ एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं और कौन से प्लेसेस हैं जो यहाँ हम घूम सकते हैं। और अगर बात रही जंगल की कही जाए तो गाइस बहुत बहुत ही बढ़िया है, और आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्या क्या फ़न होता है, क्या एक्टिविटी होती है। तो दोस्तों, एक्टिविटी वगैरह यहाँ होती है, और लेकिन हमने पूछा तो वहाँ पूछ के पता चला कि वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, बट हम व्यू के वगैरह के मज़े ले सकते हैं। गाइस व्यू देखिए आप, ये मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होती थी जो अभी बंद है, लेकिन जो नेचर है, जो फील है, वो बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ। और आप एक्चुअली लगेगा कि आप नेचर के बीच में हैं, लस्ट ऑफ नेचर, चारों तरफ नदी है, पहाड़ है, पेड़ है और बहुत सारी चीज़ें, लोग भी हैं यहाँ पर, और
साथ में जब इतने सुंदर सुंदर लोग हैं हमारे साथ, और भी अच्छा होगा। चलिए आगे चल के भी देखते हैं बाकी। गाइस ये देखिए पुल, और ये सावधान रहिए का बोर्ड। गाइस ये पुल पे वैसे तो सावधानी के लिए बोर्ड लगा हुआ है कि आप वैसे आए ना, बट कौन सा टूट जाएगा ऐसे में। तो इस पुल को हम पार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू ये रिवर का, और इस तरफ देखिए वो सारे मेरे पीछे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। और गाइस सबसे बड़ी बात तो ये पुल हिल भी रहा है, ऐसा फील होता है। गाइज आप देख सकते हैं हम ये उस पुल के रास्ते से होते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं नदी के किनारे, और देखते हैं यहाँ कैसा लगता है। और देखने में तो बड़ा प्यारा लग रहा है, और काफ़ी लोग भी, काफ़ी तो नहीं कह सकते बट जितने भी हैं कोई कोई लोग यहाँ के जरूर घूम के जा रहे हैं। यो क्या कर रहा है, पानी में पैर डालेगा? तुम कहाँ आ रहे हो शिवम भाई? पानी बहुत ठंडा हुआ। ये देखिए सब अपना अपना पर्सनल सूट करा के फुल तरीके से थक चुके हैं। हम बेसिकली ये पुराना एडवेंचर सेंटर है, यहाँ पे मैं 2014 में आया था तो बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज होती थी, बट ये झूला थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। और यहाँ से हमारे अपोजिट गर्जिया देवी टेम्पल है जो बहुत फेमस टेम्पल है यहाँ का, जिम कॉर्बेट का, तो हम कल विजिट करेंगे वहाँ पे। तो सामने दिख रहा है और व्यूज का तो कहना ही क्या, बहुत मजे किए हमने यहाँ पे। इन्हें देखिए भैया, इन्होंने मट्टी में खेल खेल के सही अति कर रखी है। ये देखिए इनकी मम्मी जहाँ से इंस्पायर हुए हैं। दोस्तों हमने इस रिवर के पास बहुत ही ज़्यादा मज़े करे, हमने ही नहीं और हमारे अलावे भी काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे, और उन्होंने खूब ज़्यादा ही मज़े उन्होंने भी करे। और अब क्या कहते हैं, हम होटल की तरफ वापस लौट रहे हैं क्योंकि थक चुके हैं और दिन ढलने को भी आया है, और हमारे होटल में स्विमिंग पूल था तो सबका मन है कि हम वहाँ पर नहाएं। ये देखिए भाई इनकी रील बन रही है यहाँ पर। मैडम क्या नहीं करती, इंस्टाग्राम की रील पे रील बनाते हैं हाँ, और अपलोड करने का नाम नहीं है भाई। क्यों नहीं करती अपलोड? अब से करूंगी। सर ये पत्थर क्यों लेके जा रहे हो आप? इसको मैं कुछ बनाऊंगा, उसका आगे मैं रील बनाऊंगा, हाँ। आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसका क्या है, इसमें कुछ मैजिक होने वाला है। ओके ये हमारा जिम कॉर्बेट का दूसरा दिन है। आज यहाँ पास में एक टेंपल है, हम वहाँ पर घूमने जाने वाले हैं सारे के सारे, और मजा आया, नींद अच्छी आई यहाँ पर। और अब देख ही सकते हैं सारे रेडी हो चुके हैं और अब निकलते हैं वहाँ के लिए, और फिर आपको दिखाते हैं कि वो कैसा टेंपल है, और जो भी एक्टिविटी अगर हम अदर करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। और ठीक है मिलते हैं फिर वहाँ। तो दोस्तों यहाँ हम जिम कॉर्बेट में गर्जिया देवी टेंपल पहुँच चुके हैं, यहाँ हम दर्शन करने आए हैं। ये पार्किंग वगैरह में गाड़ी वगैरह लगा दिए। हाँ हाँ अच्छा है ना मैडम? बहुत अच्छा है। तो जिम कॉर्बेट में अगर आप लोग आते हैं तो इस मंदिर के बहुत ज़रूरी दर्शन करना। ये जब नदी सूखती तभी माता के दर्शन होते हैं क्योंकि ये नदी के एकदम बीचों बीच है। वाह ये तो मुझे भी नहीं पता था, ये तो अभी पता चला। गाइस यहाँ से व्यू देखो कितना प्यारा है, ये देखिए
है ना। दोस्तों आप लाइन देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है गिरजा देवी टेंपल के लिए। पत्थर ही पत्थर है यार, यहाँ तो अलग ही दिक्कत होती है चलने में। ध्यान बहुत जो बड़े पत्थर है ना उस पे पैर रखना बस।